नमस्ते, मैं हूं राजुल भार्गव, आपके साथ वित्तीय गड़बड़ियों को सरल और मजेदार बनाने के लिए। आज हम बात करेंगे फॉयर की। नहीं, ये कोई नया डांस मूव या गाड़ी का मॉडल नहीं है, ये है फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। चिंता मत करिए, इसे मजेदार और आसान तरीके से समझाऊंगा। आखिर अगर फाइनेंस में मजा नहीं है तो वो चाय बिना मसाले के जैसी हो जाती है, फीकी और उबाऊ। तो फॉयर का मतलब क्या है? मान लीजिए आपकी मासिक आय एक थाली है। अब फॉयर यह बताता है कि इस थाली में से कितना हिस्सा आपके लोन, किराया और अन्य खर्चों में चला गया है। अगर थाली का आधा हिस्सा पहले ही खाली हो चुका है तो भाई मिठाई कहां से आएगी? अगर आपकी थाली का फॉयर 40% से कम है तो कमेंट बॉक्स में लिखें बैलेंस्ड थाली। चलिए इसे रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। ये है रमेश, एक आम भारतीय हीरो। रमेश की मासिक आय है 1,00,000 रुपए, लेकिन उनके फिक्स्ड खर्च कुछ इस तरह हैं: होम लोन EMI 30,000 रुपए, कार लोन EMI 15,000 रुपए, क्रेडिट कार्ड बिल 5,000 रुपए। तो रमेश का फॉयर है 30,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000, 1,00,000 × 100 इक्वल साइन 50%। अब बैंक वाले रमेश से कहेंगे, भाई आधी थाली पहले ही खा चुके हो, अब और चावल कैसे खाओगे? अगर आप भी रमेश की तरह 50% फॉयर पर हैं, तो कमेंट करें नीड इम्प्रूवमेंट। बैंकों को फॉयर 40 से 50% के बीच पसंद है। अगर आपका फॉयर ज्यादा है तो वो आपको वही नजर देंगे जो आपकी मम्मी तब देती है जब आप नया फोन खरीदना चाहते हैं और बिजली का बिल बाकी है। फॉयर इसलिए जरूरी है क्योंकि यह बैंक को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आप अपनी थाली से ज्यादा ऑनऑर्डर न कर लें। यह वैसा ही है जैसे आपका दोस्त आपको दूसरी बिरयानी प्लेट मंगाने से रोकता है। असल में ये आपके भले के लिए ही है। आपकी राय क्या है? क्या फॉयर का 50% से ऊपर जाना सही है? कमेंट करें माई व्यू और बताएं। अगर आपका फॉयर आसमान छू रहा है तो घबराइए मत, इसे सुधारने के कुछ आसान तरीके हैं। 1. को एप्लीकेंट जोड़ें, माँ के हाथ का खाना और लोन में उनका साथ। उनके इनकम से आपका फॉयर बेहतर हो सकता है। 2. क्रेडिट कार्ड का कम इस्तेमाल करें, बाय नाउ पे लेटर से बचें, ये थोड़ी चुभेगा लेकिन बाद में फायदा होगा। 3. लोन को रिफाइनेंस करें, कम ब्याज दरों पर बात करें। ये वैसा ही है जैसे सब्जी में 10 रुपए का डिस्काउंट मांगना, पर यहाँ लाखों की बचत होगी। 4. अनावश्यक खर्च घटाएं, 500 रुपए की कॉफी की जगह 10 रुपए की कटिंग चाय पीजिए। आपका फॉयर आपको दुआ देगा। याद रखिए, फॉयर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपकी वित्तीय फिटनेस का स्कोर है। इसे बैलेंस रखें तो बैंक वाले आपसे प्यार करेंगे, हद पार कर दी तो चाय वाला भी आपके बजट पर शक करने लगेगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। अगर आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक ये है राजुल भार्गव, एक कप चाय और 40% से कम फॉयर के साथ। जय हिंद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।